वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आप लोगों में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब्ड है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मैं विनती करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे लिए आपका जो प्यार है मेरे कंटेंट के प्रति वो दिखाता है, जो कि मुझे ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने में और प्रेरित करते हैं। तो चलिए अभी वीडियो पे लॉन्च चलते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, तो कल रात नींद तो ठीक से नहीं हुआ क्योंकि बिस्तर चेंज हुआ तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। तो अभी 7:30 बजे और कैब बुक कर चुका हूँ, तो हॉस्टल से अभी जाना है मुझे कोलंबो फोर्ट स्टेशन तक। उधर से ट्रेन है मेरा कैंडी के लिए, तो ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लिया था। 326 रुपीज़ आया था सेकेंड क्लास, और उधर जाके टिकट चेंज करके फिज़िकल टिकट भी लेना है, तो थोड़ा बहुत काम है जाके। 8:30 बजे का ट्रेन है तो होपफुली पहुँच जाऊँगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, पहुँच जाऊँगा। तो अभी पिक मी बुक कर दिया है, जस्ट वेट कर रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए। हो जाने पर अभी निकल जाऊँगा और आपको अपडेट देता रहता हूँ कैसा क्या चल रहा है। कल का दिन अच्छा ही था, ओवरऑल अच्छा ही गया, आज भी अच्छा ही जाना चाहिए, देखते हैं। हॉस्टल का मैनेजर जानी से बात हो रहा था, तो उनको इंडियन कल्चर और इंडियन फूड बहुत पसंद है। वो बोल रहे थे कि हैदराबादी बिरयानी उनको मस्त लगा, और लास्ट 2 मंथ पहले वो इंडिया गए थे, वही बता रहे थे। अभी ऑटो में बैठ चुका हूँ, 11 मिनट में पहुँच जाऊँगा बस स्टेशन, उसके बाद देखते हैं कितना, बस स्टेशन नहीं सॉरी ट्रेन स्टेशन, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है सब फिजिकल टिकट लेने में। और थोड़ा बहुत भूख तो लगा है तो कुछ खा लूँगा होपफुली। और सैटरडे तो अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इधर भी पेट्रोल अपने जितना ही महंगा है, 371 रुपीज़, तो अपने से ज़्यादा ही होगा। मतलब अगर अपने उधर से देखो 371 कितना हो, अराउंड 70-80 होना चाहिए अपने उधर से, मतलब अनुसार तो कम है एक्चुअली, क्योंकि 3.71 है तो 4 पकड़ लो, 4 है तो 90 रुपीज़ अराउंड आना चाहिए, 90-95। तो हमारे उधर तो शायद 100 से ऊपर ही है, इधर शायद पेट्रोल प्राइस कम है अपने अनुसार। तो फाइनली आ गया हूँ कोलंबो फोर्ट स्टेशन, अभी भी 30 मिनट है ट्रेन के लिए, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये कुछ स्टेशन है, अच्छा दिख रहा है। ले अंदर जाके पहले तो टिकट का प्रिंट आउट ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो ये काउंटर 7 है, इधर से आप प्रिंट आउट करवा सकते हो कोलंबो फोर्ट के। और चलिए अभी अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं कौन से बोलते प्लेटफॉर्म में मेरा ट्रेन आएगा। तो ये कुछ कोलंबो के ट्रेन का सीन, मतलब श्रीलंका के ट्रेन का सीन है। तो मैंने सेकंड क्लास बुक किया है, अगर आप चाहो तो फर्स्ट क्लास बुक कर। सेकंड क्लास 326 रुपीज़ ही आया, अब लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है ऐसा। ये वाला मेरा सीट है 22, और बस उतना ही, अभी चलना है कैंडी की तरफ, थोड़ा नज़ारा लेते लेते। अभी भी टाइम है, ट्रेन 8:30 बजे छूटेगी, अभी 8:11 ही है। तो टिकट एक्सचेंज करने का सीन आपको बता देता हूँ, ये आपको बस काउंटर में जाना है जहाँ काउंटर नंबर 17 जो आपको दिखा, और उधर जाके आपका पासपोर्ट दिखाना है, और जो प्रिंट मोबाइल में मोबाइल में जो मेल आया था वो दिखा दो, तो बस और कुछ नहीं, दे देंगे टिकट आपका हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी मैंडेटरी है, ये याद रखना। तो जब भी आओ थोड़ा टाइम लेके आओ, जाके चेंज करवा के फिर ही घुसो, हार्ड कॉपी के बिना घुसने नहीं देंगे स्टेशन में। और TT भी उठते हैं, चेक भी करेंगे। तो बस इतना ही, अभी देखता हूँ अगर कुछ ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट मिले तो कर लूँगा ट्रेन में ही, या फिर कैंडी में जाके देखते हैं। तो फाइनली ट्रेन छूट चुकी है, दिखाता हूँ आप लोगों को। और कितना बजे छुट्टी,
फिलहाल थोड़ा नज़ारा लिया जाए और आप लोगों से कुछ देर में मिलता हूँ। तो अभी अपने पहले स्टॉप में आ गए जो कि है रागामा जंक्शन। देखता हूँ, मेरा विंडो सीट एक्चुअली है नहीं, मैं बैठा हूँ क्योंकि कोई आया नहीं। अगर कोई आ जाए तो उठाऊँगा, मेरा बाजू वाला सीट है। ठीक है, कल एक मूवी देख रहा था, वही ख़त्म कर लेता हूँ फिलहाल। तो फिलहाल अभी बजे 10 और अभी भी एक घंटा बाकी है, तो एक मूवी देख रहा था कल फ्लाइट में, वही बैठ के ख़त्म कर लिया और अभी जाना अच्छा ही जा, फास्ट है ट्रेन, फटाफट चल रहा है। तो सोच रहा हूँ कैंटीन जाके पहला काम जो करूँ ये मेरा कल का जो नानू वाला का टिकट है वो एक्सचेंज करवा लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ वो जो 8051 ट्रेन है मेरी साथ टू कॉल टू मेरा कोलंबो, वो अगर मिल जाए तो वो भी बुक कर लूँगा। तो ये दो प्लान, और उसके बाद होटल में जाके लगेज रख के फिर निकल जाऊँगा। बीच में कुछ खाना है भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो देखता हूँ कुछ खा लेता हूँ। तो फिलहाल यही है जो प्लान, बाकी अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो अपना लोकल ट्रेन जैसा ऐसा इधर मिल रहा है गोवा, तो वो ले लिया। चला गोवा खाते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, यही देखा 200 लिया, तो 200 में मतलब अपना कितना हुआ, डिवाइडेड बाई 4 कर लो, 50 रुपये का ही आया, थोड़ा बहुत तो एक्सपेंसिव है। ठीक है, क्या कर सकते, जो है वो है। अभी माउंटेन के बीच से जा रहे हैं, ये देखिए चल रहे थे, तो फुली 11:15 तक तो कैंडी पहुंच जाएंगे। तो स्वागत है आप लोगों का अपने नेक्स्ट सिटी में जो कि है कैंडी। और अभी अबे क्या भीड़ है देखो भाई, ये शायद अनरिजर्व वाले काउंटर है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इसमें। अच्छा हुआ ये सब बुक नहीं किया। कैंडी में स्वागत है आप लोगों का, और देखिए भीड़ देखिए इसमें। तो कल का टिकट तो मिल गया फिलहाल, और वो प्रिंट करके दे दिया, लेकिन जो मिरीसा टू कॉल का पूछा वो बोले कि वो मिरीसा में जाके ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो लोकल ट्रेन है शायद। तो ठीक है, अभी उसका ही तो मिरीसा में जाके ले लेंगे। अभी एक वो देखता हूँ क्या बोलते टुक टुक लेके जाता हूँ अपने BNB की तरफ, तो उधर जाके आपको मिलता हूँ। बहुत ही भारी लगेज ले लिया, तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो रहा है। तो अभी एक टुक टुक बुक कर लिया है स्टेशन से ही होटल तक, तो 500 बोला ठीक ही है, ऑनलाइन 400 दिखा रहा था, तो बोले सर बोले कि और थोड़ा ऊपर है तो 500 दे दो, तो 500 दिक्कत नहीं है, तो उसमें ही डन कर दिया। अभी बस लगेज रख के फिर निकलूँगा, क्योंकि एक मैंने होटल से बात हुआ तो बोले कि 1 बजे तक पहले रूम नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है वो चेकआउट नहीं किए, 12 बजे करेंगे। तो फिलहाल यही सीन है, अभी जा रहा हूँ उधर लगेज रख के, फिर देखता हूँ आसपास कहीं निकल जाऊँगा। और इधर एक चीज़ अच्छा है, बहुत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश आता है, दिक्कत नहीं हो रहा है। अब फाइनली
फाइनली। तो बस यही है, और तो सर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या मिलता है। मुझे तो राइस ही खाना है यार, बहुत दिन राइस नहीं खाया, बहुत दिन निकल ही खाया था, लेकिन प्रॉपर राइस मील, राइस करी अगर अच्छा कुछ मिल जाए तो खा लूँगा। तो कैंडी लेक के सामने छोड़ दिया मुझे, तो इधर ही थोड़ा अभी घूमूंगा, अभी बजे 12, तो इधर ही घूम घाम के प्लान है कि एटलीस्ट कितना बजे 6-7 बजे तक रूम में जाऊँगा, क्योंकि अभी जाके कोई फ़ायदा है नहीं, फिर से जाओ फिर से आओ उसका अलग से खर्चा पड़ जाएगा। तो 5 बजे का जो कल्चरल शो है वो मुझे देखना था, तो देखता हूँ अभी क्या करूँ। तो फिलहाल तो खा लेता हूँ, खाने के बाद नेक्स्ट प्लान करूँगा। तो पहले जो जगह आ गया हूँ वो है टूथरेलिक, तो जाके टिकट लेता हूँ। पहले टिकट इधर का बोला शायद सार्क कंट्री के लिए 1000 है, नहीं तो 2000, तो मुझे 1000 लगना चाहिए। तो चलते हैं अंदर, और अंदर बात मोस्टली नहीं कर पाऊँगा, तो उसका वॉइस ओवर बाद में डाल दूँगा, क्योंकि सीक्रेट प्लेस है तो बात नहीं करना चाहिए। और ये जगह बहुत मस्त है, दिखाता हूँ आपको, बहुत खूबसूरत हवा दे रहा है, ये एक अच्छा है। बस बच्चे को मस्त पकड़ के लेके जा रहे थे, और देखना पड़ेगा एंट्री टिकट कहाँ से है इसका, अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ स्पॉट, मिल जाए तो घुस जाते हैं अंदर, मुझे यही लग रहा है इधर से एंट्री होगा। तो घुस गए हूँ टेम्पल ऑफ टूथरेलिक में, तो चलते हैं अंदर। ये गाइड बोल रहे थे कि 500 में पूरा बता देगा, यू कैन सी द 5 डिफरेंट कलर, ब्लू कलर कॉन्फिडेंट, येलो कलर होलीनेस, रेड कलर विजडम, व्हाइट कलर प्यूरिटीज, ऑरेंज कलर बुद्धिस्ट मंक्स, दे वेयर इन द बुद्धिस्ट रोब, ऑरेंज इज बुद्धिस्ट ऑरा, दिस आर द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फ्लैग। तो मेरा गाइड मुझे बता रहे थे इधर के जो मेन स्ट्रक्चर है ये 1592 में बना हुआ है, तो बहुत ही पुराना है, और 2 स्टोरीज है इसमें, और 7 लेयर्स प्रोटेक्शन के पीछे जो बुद्धा का टूथ रेलिक है वो 7 लेयर्स प्रोटेक्शन के पीछे ये जो जगह देख रहे हैं आप इधर रहता है। तो हर 7 साल में ये पब्लिक के लिए डिस्प्ले होता है, तो मैंने उनसे पूछा कि नेक्स्ट कब पब्लिक के लिए डिस्प्ले होगा, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट 2 साल बाद ये डिस्प्ले होगा, तो 2026 में अगर आप जा रहे हो श्रीलंका एक बार, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं मालूम कि कब डिस्प्ले होता है या कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्प्ले होता, तो 2026 में अगर आप जा रहे हो तो आपको मौका मिलेगा बुद्धा का जो टूथ रेलिक, एक्चुअल जो रेलिक है वो देखने का श्रीलंका में ये जगह। तो अभी आपकी मर्जी है, अगर आपको जाना है तो जा सकते हो। So here the majority religion is Buddhism, Buddhism. तो मेरे गाइड मुझे बता रहे थे कि अगर आप कैंडी प्लान कर रहे हो तो जुलाई अगस्त के टाइम करो, फुल मून के टाइम, तो डिपेंडिंग ऑन द मंथ इधर एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल के टाइम अराउंड 100 एलिफेंट्स, 1000 डांसर्स, 100 ड्रमर्स सब रास्ते में होते हैं, और एक 10 दिन का पूरा फेस्टिवल होता है, और मतलब बहुत ही मज़ेदार होता है ये वाला। तो अगर आपके पास टाइम हो और उस टाइम प्लान कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार फेस्टिवल देखने मिल जाएगा। तो सीन ये है कि हर 7 साल में एक बार पब्लिक के लिए डिस्प्ले करते हैं टूथ रेलिक, एक्चुअल जो टूथ रेलिक है, तो वो 2026 में फिर से होगा।
फिलहाल ये 7 लेयर्स में कवर्ड है और गर्मी तो है इधर। So look at from here, there are 7 features of animal you can see. Trunk of the elephant, mouth of crocodile, okay. Eyes, eagle, pig ear, yeah. Body of the fish, yes. Feather is peak of lion horse, 7 features of animal we call dragon sandal. Yellow color geese bird symbolize innocent intelligent bird. Okay. The lotus flower for the nirvana. Sun and moon, so that means forever, more than 300 years old. Okay. तो different countries ने इस temple को Buddhist statues donate किए हैं। तो ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये जो statues हैं, सब अलग-अलग country ने इस temple को donate किया है। तो भाई 500 रुपए के लिए इसने 10 मिनट का time दिया, 10-15 मिनट। बस explain क्या ठीक है? और अभी इधर museum है, तो उधर देखते हैं क्या-क्या है। अभी म्यूज़ियम देख के निकला, उधर फिल्मिंग अलाउड नहीं है तो नहीं कर पाया कुछ। तो उधर डिफरेंट कॉइन्स, फिर डिफरेंट बुद्धा के क्या क्या थे वो सब है। और बहुत ही गर्मी है, पैर पूरा जल रहा है और शुरू में इंडिया आ गए हैं। देखो के बाद गया था वर्ल्ड हेरिटेज म्यूज़ियम बुद्धा का, तो ये भी टिकट में इंक्लूडेड ही है। और उधर भी आपका पिक्चर्स या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो नहीं किया। और घर के लिए मैग्नेट्स ले लिया, फ्रिज मैग्नेट, जिसका राउंड आया मेरा एक का 410, तो टोटल आया 1680। 6 मैग्नेट लिया तो 1680 का मुझे आया 400 ऐसा कुछ इंडियन रुपीज़ आया। तो दिक्कत नहीं है, सस्ता ही है। और बहुत गर्मी है भाई, पूरा पैर जल जा रहा है। वो बहुत गर्मी है। ओहो, अभी थोड़ा पूरा टेंपल ऑफ टूथ रेलिक का एक चक्कर लगाता हूँ, उसके बाद एग्जिट की तरफ जाऊँगा। एग्जिट की तरफ जाके जूते लेने, अभी तो खाली पैर घूम रहा हूँ और उससे इसी वजह से और गर्मी लग रही। तो जूते लेके फिर जाऊँगा सामने बालाजी धोसा ही बोल के एक जगह है उधर खाने की। भूख तो लगा सुबह से, बस एक क्या बोलते हैं उसको, गुआवा ही खाया है तो भूख तो लगा है। तो फिलहाल यही अपडेट है। चलिए अभी एग्जिट की तरफ ही चलता हूँ, भूख भी लग गया बहुत, तो खाना है, थोड़ा खा भी लेता हूँ। पैर का पूरा हालत बुरा हो जा रहा है, इतना पूरा जल रहा पूरा, क्योंकि हीट है तो हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा पत्थर, इसी वजह से पैर का नीचे मतलब एकदम लग रहा है कोई बर्निंग फर्नेस में चल रहा हूँ, इतना गर्मी है। लेकिन ठीक है, लो तो मेरा नेक्स्ट प्लान जो है इधर से निकल के थोड़ा लंच के बाद देखता हूँ अगर बोटानिकल गार्डन का प्लान बना सकूँ। देखना पड़ेगा इधर से कितना दूर है, इधर से पास ही होना चाहिए। A few moments later. तो अभी आया मंडिया बोल के एक रेस्टोरेंट है उधर, और एक चिकन राइस ले रहा हूँ, देखता हूँ खा के कैसा है, फिर खा के आपको मिलते हैं। तो बहुत ही गर्मी है भाई, हालत बुरा है। तो ये कुछ लिया है, ये दाल है, राइस है, चिकन और वेजिटेबल। थोड़ा तो तीखा है, अच्छा है।
something spicy? Yes. Or smell nahi aa raha hai. तो बस खा के निकला, खाना अच्छा था। और एक अच्छा चीज़ है कि ये नारियल सिर्फ मतलब तेल से तो बनाते हैं, लेकिन उसका स्मेल नहीं है। वही मुझे एक टेंशन था कि अगर स्मेल हो तो नहीं खा पाऊँगा, तो पूरा ठूस दिया क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं। तो चिकन राइस लिया था, चिकन उसके साथ दिया था, दाल एक अचार टाइप मालूम नहीं किस चीज़ का था, और सलाद। तो एक जन के लिए इनाफ है। और ये जो आया था मैं मंडिया, ये हाईएस्ट रेटेड है, 4.9 रेटेड है गूगल में, यही देख के आया। और टेस्ट अच्छा था, तो बस अभी देखता हूँ क्या करूँगा। टोटल लिया 580, पानी लिया था और वो लिया था, तो ठीक है 580 मतलब कितना ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी देखना पड़ेगा क्या करूँगा। अभी वही टेम्पल ऑफ सेक्रेट टूथ के सामने आकर थोड़ा बैठ गया हूँ, बहुत ही गर्मी है। थोड़ा वो देख के, शेड देख के बैठ जाता हूँ 10-15 मिनट। तो फिलहाल सोच रहा हूँ कि रूम की तरफ ही जाऊँ, फिर थोड़ा फ्रेशन अप होकर फिर से आ जाऊंगा कैंडी लेक की तरफ शाम को 7-8 बजे। और रूम का कुछ व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। नॉन एसी है तो ठीक है, दिक्कत नहीं है। और ये है, अकेले के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और बैल्कनी से व्यू मस्त है, दिखाता हूँ। ये देखिए, आराम से बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने पेमेंट किया 1100 या ऐसा कुछ, और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो अच्छा डील है, मुझे तो लगता है अच्छा ही डील है। तो अभी थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ 4-4:30 बजे 4:45 को निकलूँगा, कैंडियन डांस शो है तो वो देखने जाऊँगा। तो फिलहाल यही प्लान है, और फिलहाल के लिए बाय बाय। जानो कैंडियन कल्चरल डांस होता है वो देखने। तो ये कल्चरल शो का लोकेशन आपको बता दूं कि ये एकदम टेंपल टूथ रिलिक जो है उसके एकदम सामने होता है।